अब हम लोग बेटा बात यहां पर करते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल में तो चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू माइनस क्यू है, हर चार्ज पार्टिकल अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, तो इसीलिए अब आएगा अगला पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें तीन पॉसिबिलिटीज हैं, एंड ऑन पोजिशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन एंड एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो पहला आएगा इन एंड ऑन पोजिशन, इन एंड ऑन पोजिशन जिसे हम एक्सियल पोजिशन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सियल पोजिशन। देखो एंड ऑन पोजिशन का मतलब यह होता है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल में माइनस क्यू चार्ज है, यह प्लस क्यू चार्ज है। डायपोल की लेंथ आपको याद है बेटा 12 थी, तो हाफ ऑफ द लेंथ एल और एल ये आ जाएगा। इस पॉइंट को ए ले लें, इस पॉइंट को बी ले लें, और इसके मिड पॉइंट से कुछ दूरी पर एक पॉइंट हम पी ले लेते हैं, और ये डिस्टेंस हमने आर ले लिया, और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। लेट पी बी द पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द मिड पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज नीडेड। पी पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगा। सबको याद है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखो टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज माइनस की वजह से आया, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे होगा ई प्लस क्यू। आप देखें यहां पर E प्लस क्यू क्या आएगा बेटा, देखिएगा E प्लस क्यू क्या होगा बेटा, देखो चार्ज क्यू ये है, और इसकी यहां से यहां तक की दूरी क्या है बेटा, आप देखो R में से अगर L को घटा दो तो इनके बीच की दूरी आएगी, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा 1/4πε0 चार्ज इस क्यू, और दूरी बेटा आई R माइनस L का होल स्क्वायर। चार्ज ये है बेटा, इसकी यहां से यहां तक दूरी अगर आप देखो क्या है R प्लस L, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, इनमें नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस यहां नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इस माइनस चार्ज ने डायरेक्शन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया, इस डायरेक्शन इज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पर इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से आएगा, और बड़े में से छोटा को घटाइए। देखो ये आर माइनस एल क्या है, ये छोटा है, इसका मतलब ई प्लस क्यू बड़ा आएगा, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, देयरफोर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इसे ई ए से लिखें, ए फॉर एक्सिस है बेटा, एक्सियल पोजिशन भी कहते हैं ना, एक्सिस के लिए है, तो ई ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज माइनस ई ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ई ए इक्वल टू हो जाएगा के क्यू अपॉन आर माइनस एल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, और मुझे सिंप्लीफिकेशन में खुद में कोई बड़ा इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए बड़ा तेजी से सॉल्व करेंगे। तो ये बेटा देखो आर माइनस एल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर ये आया, तो इसे अगर हम यहां एलसीएम लेंगे तो यहां आएगा आर प्लस एल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल स्क्वायर, और सिंप्लीफाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस टू आर एल, यहां हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस टू आर एल, ये आता है। और यहां देखो बेटा ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा सारा। ये यहां मैंने गलत कर दिया, ए आर प्लस एल का होल स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल आएगा, तो देखो टू आर एल जुड़ जाएंगे, तो ई ए इक्वल टू के क्यू ये आएगा 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये आएगा ई ए इक्वल टू बेटा आप ऐसा करना 2L अलग कर लो, तो देखो ये ऐसे आता है क्या के क्यू इंटू 2L एक साथ आप कर ले, देखो बेटा क्यू इंटू 2L एक साथ कर ले और 2R को अलग कर ले, यहां 2R को अलग कर ले अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा यहां पर ई ए क्या आ जाएगा के बेटा क्यू इंटू 12 पी होता है और ये 2R है, तो ये आ जाएगा 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो ये फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आता है स्टार इक्वेशन में हमने लिख दिया। क्लियर बेटा? आप याद रख सकते हैं के का मतलब 1/4π ε₀ है। तो ओवरऑल इसका जो रिजल्ट आया बेटे आपको वो याद रखना है। अगर आपने लिखा हो तो ये पोर्शन भी डिलीट ही कर दें। मिटा दो सारा। ठीक, थैंक यू। इफ डाइपोल इज शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब समझिएगा बेटा, ये जो लेंथ है, ये जो एल और एल टू एल, ये बहुत छोटी है आर के रेस्पेक्ट में। दैट इज एल इज वेरी स्मॉलर देन आर। और जब बेटा एल बहुत छोटा है तो एल स्क्वायर तो और छोटा होगा। तो आप ऐसा करो, इस इक्वेशन में से एल स्क्वायर नेग्लेक्ट कर देते हैं। देयरफॉर एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, आप इसे नेग्लेक्ट कर दीजिए। नेग्लेक्ट का मतलब जीरो रखना। देयरफॉर इक्वेशन बेटा स्टार बिकम्स, देखिए ये क्या आएगा, इसे जीरो रख दो तो ये हो जाएगा ई ए इक्वल टू 1/4π ε₀ 2πr/r⁴ आएगा। देखो बेटा आर स्क्वायर का स्क्वायर आर पावर फोर, एल जीरो हो गया, आर से आर कैंसिल करेंगे तो आर क्यूब आएगा। ये फार्मूला ध्यान ही रख ले बेटा, इसका फार्मूला होता है 1/4π ε₀ 2π/r³। इसे हम डायरेक्ट अप्लाई किया करेंगे आगे से। डायपोल का ये चार्ज माइनस है, ये चार्ज प्लस है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये था। और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बताना बेटा, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू में कौन बड़ा था? प्लस क्यू। ई प्लस क्यू, तो आप बताइएगा ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आया है तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा जो ज्यादा होगा, और ज्यादा ई प्लस क्यू है, यानी जो ई ए आया है बेटा इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ये आएगा। और गौर से देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस जो ई ए आया है ये पी के पैरेलल है। देखो पी भी दाहिनी तरफ, ये भी दाहिनी तरफ, तो इसलिए तुमसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है एक्सिस पर, तो कहोगे पैरेलल टू पी। ई ए इज पैरेलल टू पी, इसे याद रखना है बेटा, ये पी के पैरेलल होता है। अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा ये ऐसे आएगा ई ए इक्वल टू के 2π/r³। बेटा देखो ई ए और पी पैरेलल थे तो सीधे एरो लगा दो, दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही थी, तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया।